तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता, विधायक, कार्यकर्ता कुछ इन्हीं परिस्थितियों से इन दिनों गुजर रहे हैं। जीत इतनी शानदार मिली है कि सब यही सोच रहे हैं, आला कमान अब खुश हुआ, इनाम कब मिलेगा, इनाम कैसे मिलेगा। इसके लिए सचिन पायलट मैदान में उतरे हैं। एक बार नहीं, आज कई बार बोले हैं, एक बात नहीं कई बात बोले हैं। सचिन पायलट ने पहले बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि न सत्ता में रहने लायक थी न विपक्ष में रहने लायक है, मगर साथ ही यह भी कहा, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा था कि विधानसभा उपचुनाव होने के बाद राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएंगी, मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि यह जल्दी होगा। और AICC, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी अजय माकन को यह काम कर देना चाहिए। यही बात तो कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता सोच रहे हैं, मगर कहें किससे। पद पाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और दिल में चाहत है कि हमारी मांग सचिन पायलट कब उठाएं, कितने पुरजोर ढंग से उठाएं और कैसे उठाएं। मगर बंटवारा आसान नहीं होता, चाहे देश का हो, जमीन का हो, घर का हो, पद का हो, विभाग का हो, बंटवारा हमेशा एक दर्द छोड़ जाता है, एक टीस मन में रह जाती है। खुशियों के साथ गम का गुब्बार भी लाता है और इसी गम के गुब्बार से कांग्रेस डरी हुई है। तभी तो कहा जा रहा है कि दिवाली बाद कांग्रेस में पटाखे फूटेंगे। दरअसल इतने लोगों ने उम्मीद लगा ली है और इतने किरदार हो गए हैं इनाम पाने वाले कि जीत के बाद हर किसी को लग रहा है कि अब मेरा काम हो जाना चाहिए। एक अनार 100 बीमार, किस किस को बांटेंगे। दरअसल कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद ताकतवर बनकर उभरे हैं और निगोशिएशन टेबल पर अजय माकन या कांग्रेस आलाकमान से जोरदार शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं, मगर सचिन पायलट कमजोर नहीं हुए हैं। दिए का काम जलना है, हवा का काम चलना है, वो अपना काम करती है, तू अपना काम करता जा। सचिन पायलट राजस्थान के दौरे पर निकल पड़े हैं, इसलिए यह आसान जंग नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनाम दें और सचिन पायलट चाहेंगे कि जो वादे उनसे किए गए हैं वह पूरे हों। इसलिए कह रहा हूं कि बंटवारा आसान नहीं है, दर्द छोड़कर जाएगा, यह दर्द यह घाव नासूर न बन जाए, इसके लिए इलाज की जरूरत है। कांग्रेस आलाकमान को यहां से अब गंभीर सोच की जरूरत है, क्योंकि जनता ने झोली भर दी है। अब कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो झोली को संभाल कर रखें, रायता न बिखेरे। मगर रायता तो बीजेपी में बिखरा हुआ है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष भगवत गीता के भाव में डूबे हुए हैं। क्या लेके आए थे जो क्या लेकर जाओगे, कौन तुम्हारा अपना था जिसके लिए रो रहे हो, कौन तुम्हारा नहीं था कौन तुम्हारा होगा, इस भाव में सतीश पूनिया ऊब चूब हो रहे हैं। न हार में न जीत में, इस तरह के पंक्तियां गुनगुना रहे हैं। मगर दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी के एक धड़े में जश्न है। सबको लगता है कि पूनिया तो गए, और पूनिया को लगता है कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, जाएगा क्या। बीजेपी आलाकमान ने जो किया धरा है, मैंने वही किया धरा है। दिल्ली में बैठे नेता भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि सतीश पूनिया मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे हैं। जब उनके इर्द गिर्द नारे लगते हैं कि अब की बार सतीश सरकार तो रोकते नहीं है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वसुंधरा खेमा तो आंखें तरेरने लगा है। रोहिता शर्मा हो या फिर भवानी सिंह कोटा से, उन्होंने अब से कहना शुरू कर दिया है कि इन्होंने बंटा धार कर दिया,
वसुंधरा लाओ, बीजेपी बचाओ। हालांकि वसुंधरा राजे अकेले नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर राजेंद्र राठौड़ हो, सब इसी लाइन में लगे हुए हैं कि पूनिया कब खिसकेंगे, क्योंकि यह मजबूत आधार है और सही समय है पूनिया को बदनाम करने के लिए कि बीजेपी ने ऐसा दिन तो कभी देखा नहीं था। मगर कुछ कमियां पूनिया में भी है। अकेले बीजेपी हाईकमान जिम्मेदार नहीं है। अब गुलाब चंद कटारिया को देख लीजिए, अब भी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता एक बार फिर से मनोबल ऊंचा रखेंगे और हम जीतेंगे। कौन से कार्यकर्ता, कहां के कार्यकर्ता? आप समझे ही नहीं कि 20 सालों में बीजेपी का राजस्थान में कांग्रेसीकरण हो चुका है। पार्टी वसुंधरा राजे के साथ चली गई थी, उसे आने आने में बहुत देर हो चुकी है। कन्हैयालाल मीणा लसाड़िया से 21,000 वोट से आपको पीछे कर गए जाने अनजाने में, और आपकी हार हो गई करीब करीब 19,000 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है या फिर व्यक्तिनिष्ठ पार्टी है। आप वल्लभनगर में देख लीजिए, वहां पर उदयलाल डांगी की एक बार जमानत जब्त हुआ, आपने फिर टिकट दिया, वह तीसरे स्थान पर आए, मगर तीसरी बार टिकट नहीं दिया तो वह बागी हो गए। और आप कहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है, यह बीते वक्त की बात है। कम से कम राजस्थान में बीजेपी यह नहीं कह सकती है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी व्यक्तिवादी पार्टी पिछले 20 सालों से रही है, और इस चोले को उतारने में बहुत वक्त लगेगा, और जब तक वक्त लगेगा हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से कुचाले भरने लगे। तभी तो सचिन पायलट ने आज एक बात और कही है कि हम वापस आ रहे हैं। वापस तो आ रहे हैं, मगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल आप छोड़े जा रहे हैं। यही सवाल लाख टके का है। अगर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए झगड़ा बीजेपी में है, तो यह रगड़ा कांग्रेस में भी है। इसलिए राजनीति की यह राह जीत और हार से तय नहीं होने वाली है, यहां से बेहद दुस्तर राह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए शुरू हो रही है। तभी तो कह रहे हैं दिवाली के बाद राजस्थान में पटाखे फूटेंगे। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।